अब आप आ जाओ, अब हम पढ़ रहे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सीन है, सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 15 तक। सेक्शन याद होने चाहिए आपको, एक बार मैं बताता हूँ आपको। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट सेक्शन 11 में आगे आ जाता है सीजेएम, एडिशनल सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 12 में, 13 में आ जाता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, 14 में है लोकल जूरिसडिक्शन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, 15 में आ गया सबोर्डिनेशन। यो फॉर्मूला है, पहले कोर्ट जेएम, उसके बाद सीजेएम, उसके बाद एसजेएम, उसके बाद लोकल जूरिसडिक्शन, उसके बाद सबोर्डिनेशन। आ जाओ भाई फिर करते हैं शुरू। क्या बोलता है सेक्शन 11? सेक्शन 11 बोलता है हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। अब बात जो समझने की है वो ये है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर तो मान लो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ओके, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगी ट्रांसफ़र, तो भाई वो मेट्रोपॉलिटन हो गया, और उसके बाहर होगी ट्रांसफ़र तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया। सिंपल सी बात है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में देयर शैल बी इस्टाब्लिश करे जाओगे एज मैनी कोर्ट, जितने भी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के, जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं सेकंड के भी, एंड एट सच प्लेस, और उस जगह जहां स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद नोटिफिकेशन में बताएगी। पावर किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। सलाह किसने लेनी, मतलब किससे लेनी? हाई कोर्ट से सलाह लेनी है। और करना क्या है? कोर्ट बनाने फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के, इस्टाब्लिश करने किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। कैसे करेगी? नोटिफिकेशन के जरिए करेगी, स्पेसिफाई करेगी, प्लेस भी बताएगी कहाँ बनेंगे, इस्टाब्लिश होंगे। अब आप आ जाएं भाई प्रोविजो पे, परंतु प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में ले, परंतु स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद इस्टाब्लिश कर सकती है, बना सकती है फॉर एनी लोकल एरिया, किसी लोकल एरिया के लिए वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्पेशल कोर्ट बना सकती है लोकल एरिया में, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी हो सकता है या फिर सेकंड क्लास का भी हो सकता है। किस लिए बनाएगी? ट्राई एनी पर्टिकुलर केस, किसी पर्टिकुलर केस को देखने के लिए, या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, एक तरीके के कुछ केसेस को देखने के लिए। एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज इस्टाब्लिश, और जहाँ कहीं ऐसा कोई कोर्ट बना दिया जाता है, नो अदर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई एनी सच केस और क्लास ऑफ केसेस। मतलब किसी लोकल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई स्पेशल कोर्ट बना सकती है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी हो सकता है और सेकंड क्लास का भी हो सकता है। आगे नो अदर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट उस एरिया में, उस कोर्ट के अलावा वैसे केस, उस तरीके के केस कोई और जज नहीं देखेगा, वो ये देखेगा। ओके रिपोर्ट है। अब याद रखो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 का प्रोविजो बनाता है स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये स्पेशल कोर्ट है, ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, ये स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो भाई साहब सेक्शन 13 में है, यो फर्क है, याद रखना ये पॉइंट लिख लो कि स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इन सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 प्रोविजो। वैसे लिखते हैं इसको उल्टा, प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। अब आ जाएं सब सेक्शन 2 पे आप, लेकिन उससे पहले बता दें मेरे को सब सेक्शन 1 में क्या हो रहा है। कोर्ट बनाए जा रहे हैं भाई फर्स्ट क्लास जेएम के और सेकंड क्लास जेएम के, और कौन बना रहे? स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है हाई कोर्ट से सलाह करके। सब सेक्शन 2 में है भाई, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, के जो उस जो ऑफिसर उस मतलब
प्रिजाइड करेगा कोर्ट को, उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करे। सिंपल फॉर्मूला है। अगर वो जज है या मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव नहीं, जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, तो कोर्ट तो बना रही है अपने स्टेट गवर्नमेंट और अपॉइंट कर रहा है हाई कोर्ट। सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद इसका है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आप आगे पढ़ेंगे। टू क्लियर हो गया? टू में अपॉइंटमेंट है, सबसेक्शन टू में अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट कर रहे हैं, जजेस बना रहे हैं। सबसेक्शन थ्री, द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू इट टू बी एक्सपीडियंट, हाई कोर्ट चाहे तो जब भी, वेन एवर, जब भी इट अपीयर्स टू इट, इसको अपीयर होता है टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी, जब भी इसको लगता है कि बहुत ज़रूरी है या बहुत सही रहेगा, कन्फर कर सकती है पावर्स, पावर दे सकती है ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, किसकी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास, ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन सिविल कोर्ट। भाई बात सुन लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सब सेक्शन तीन बोलता है कि भाई कोई सिंपल जज है जो किसी सिविल कोर्ट का है, ये अपना एक्ट कौन सा है, क्रिमिनल है, लेकिन कोई सिंपल जज है जो सिविल कोर्ट का जज है, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़रूरी है ये, तो वो उस सिविल कोर्ट के जज को पावर दे देगी, किस चीज़ की, कि भाई आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर लें, जब भी उसको ऐसा लगता है, किसको, हाई कोर्ट को, तो वो सिविल कोर्ट के जज को पावर दे देगी। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, जो अपने नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पे जजेस बैठते हैं ना, या कोई हाई कोर्ट के भी हो गए तो इंक्लूडेड, एक जज के आगे अगर सिविल का कोई मुकदमा है, ठीक है, तो वो बन जाता है सिविल जज। अगर उसके सामने क्रिमिनल केस हो गया तो वो बन जाता है ये अपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरह। सिंपल सोचता है वो। अगर सेशंस कोर्ट में मुकदमा सिविल आ जाता है तो वो जज बन जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, अगर कोई क्रिमिनल मुकदमा है तो वो बन जाता है सेशंस जज। सिंपल सी बात है, कोई चक्कर को नहीं। अब आप आ जाएं सेक्शन 12 पे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दो चीजें अपने को पता है, सीजेएम और एसीजेएम, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी सीजेएम। भाई सीधी बात है, जहां जे आ गया ना, मतलब जुडिशियल, वहां मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा तो जे का एम बन जाएगा सीएमएम, यहां क्या है सीजेएम। सबसेक्शन वन बोलता है, माफी चाहूंगा आपको यूं बताया नहीं कितने सबसेक्शन इसमें, बताएं कितने हैं, टोटल तीन सबसेक्शन है इसमें, जिसमें सबसेक्शन थ्री के दो क्लॉजेस हैं ए और बी। सबसेक्शन वन बोलता है कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी किसी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, क्या, सीजेएम अपॉइंट करेगी, सीजेएम बना देगी हर डिस्ट्रिक्ट में, सिंगल ही होता है सीजेएम, चीफ है ना वो, जैसे कि चीफ मिनिस्टर एक ही होता है, ठीक है, ऐसे ही चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी एक ही बंदा होता है, किसी भी फर्स्ट क्लास के को बना सकती है हाई कोर्ट, किसी सेकंड क्लास के को नहीं बना सकती, ओके, फर्स्ट क्लास के को बनाएगी। सब सेक्शन टू बोलता है, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी अपॉइंटेड एन एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, किसी एक को तो पक्का बनाएगी, देखो हाई कोर्ट शैल, सब सेक्शन वन में, सेकंड में आ गया हाई कोर्ट में, ये फर्क है कि सीजेएम की जरूरत है ना, तो वहां शैल लगा दिया हाई कोर्ट के साथ, लेकिन एडिशनल सीजेएम की कोई जरूरत को नहीं, तो हाई कोर्ट के साथ मे लगा दिया कि हाई कोर्ट को ठीक लगे तो बना दे, और नहीं बनाओ तो ना बना भाई। सब सेक्शन टू में आ गया हाई कोर्ट में अपॉइंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनटू, सॉरी, क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल बना दिया भाई, एडिशनल सीजेएम बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, हाई कोर्ट को ठीक लगेगा चाहे तो तभी बनाएगा।
एंड सच मैजिस्ट्रेट और वो मैजिस्ट्रेट मतलब ACJM शैल हैव, उस बंदे के पास सारी पावर्स होंगी CJM की, सारी या फिर कोई पावर, बताओगा कौन? हाई कोर्ट बताओगा। हाई कोर्ट बताएगी ACJM को कि आपके पास फलानी फलानी पावर है CJM की, बेशक वो सारी दे दे हाई कोर्ट, बेशक थोड़ी दे दे, हाई कोर्ट ने देनी है CJM की पावर ACJM को। अब आप आ जाएं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 का क्लोज ए बोलता है द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिविजन एज सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट अगर चाहे तो डेजिग्नेशन दे सकती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और क्या बना देगी? SDJM, SDM नहीं, SDJM, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। SDM होता है ना जो, SDM तो भाई सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, और आप यहाँ पढ़ रहे हैं सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब SDJM को डेजिग्नेट कर देगी फर्स्ट क्लास को, बना देगी SDJM एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर, और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट भी दे सकती है जब भी कोई ओकेजन ऐसी हो, जब भी जरूरत पड़े तो उसको छूट भी दे देगी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस सेक्शन की। क्लोज बी में आ जाओ भाई। सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ CJM, CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल के अंडर एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शेल ऑल्सो हैव एक्सरसाइज ऑल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ब्रैकेट को छोड़ दें, इन द सब डिविजन एज द हाई कोर्ट में बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई। पहली चीज तो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहां बनाया जाएगा, कहाँ? सब डिविजन में, और सब डिविजन का डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट होता है सब डिविजन, तो सब डिविजन का हेड कौन है? सब डिविजन का हेड है सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, तो उस सब डिविजन में उस बंदे की सुपरविजन की और कंट्रोल की पावर है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल पावर है CJM की, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही है। सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो केवल 36 हो, मतलब 36 सब डिविजन बना रखी है, तो क्या पता 36 सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेकिन CJM तो भाई सिंगल ही होता है। अब आप ये ब्रैकेट वाला पढ़ें, अदर देन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब ये कहा गया भाई SDJM तेरी चाले तो है, लेकिन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आगे कौन चाले? एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रैंक ऊपर होता है SDJM से, लेकिन CJM से नीचे होता है। एक लाइन और कही गई है नीचे कि सब डिवीजन में चले इतनी की उसकी जितनी आई कोर्ट बताएगा जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से, इस बिहाफ में कितनी चलेगी किसकी? SDJM की, कहाँ? सब डिवीजन के मैजिस्ट्रेट पे जो हाई कोर्ट बताएगा। फॉर एग्जांपल कोई सब डिवीजन है, सब डिवीजन में 5 मैजिस्ट्रेट हैं, 5 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लगा लो, तो अब उन 5 में से एक बंदे को सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना दिया, ठीक है, अब उन बाकी 4 पे सुपरविजन और कंट्रोल रहेगा किसका? सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, बेशक वो भी फर्स्ट क्लास थे और ये भी फर्स्ट क्लास था। ओके, अब आप आ जाएं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में भाई 3 सब सेक्शन है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और वो हमने उसमें 11 में पढ़ा था, 11 सब सेक्शन 1 का प्रोविजो वो था स्पेशल कोर्ट, यहाँ क्या है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो था स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्क है, आड़े तो मैजिस्ट्रेट स्पेशल है, वहाँ कोर्ट स्पेशल थी। सब सेक्शन 1 बोलता है द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, हाई कोर्ट चाहे तो कर सकता है इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उससे रिक्वेस्ट करी है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? अभी भी मर्जी उसकी,
बेशक स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट कर दिया हाई कोर्ट से स्पेशल कोर्ट या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाने की किसी उसमें, तो भी हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मे लिखा हुआ है, द हाई कोर्ट मे अब कन्फर कर सकता है एनी पावर किसी पर्सन पे, कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड, जिसने कभी होल्ड किया है क्या या फिर हेल्ड एनी पोस्ट अंडर दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर कोई पोस्ट हेल्ड की है, ऑल और एनी पावर सारी या फिर कोई पावर कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय अंडर दिस कोड ऑन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को दी जा सकती थी वो किसी भी बंदे को दे सकता है, कौन, हाई कोर्ट, रिक्वेस्ट पे किसकी, सीजी या एसजी की। फिर क्या होगा, ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गया भाई, इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर केस, किसी खास केस के लिए या किसी खास तरीके के केसों के लिए, नॉट बीइंग मेट्रोपॉलिटन एरिया, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं हो सकता क्योंकि यो एसजेएम है, जुडिशियल है, यो मेट्रोपॉलिटन को नहीं हो, मेट्रोपॉलिटन में होगा स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब आप आ जाएं प्रोविजो पढ़ते हैं इसका, प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन एनी पर्सन अनलेस ही पोजेसिस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एज द हाई कोर्ट मे बाय रूल स्पेसिफाई। अब इसको पढ़ने के बाद क्या लग रहा था सबसेक्शन वन को, हाई कोर्ट किसी भी बंदे को दे सकती है पावर, अब प्रोविजो ने परंतु लगा दिया, परंतु में बोलिया कि पावर तो चाहे किसी भी बंदे ने दे दे हाई कोर्ट, लेकिन उस बंदे की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल रिलेशन में, लीगल अफेयर्स में, लीगल का कोई मतलब नॉलेज होनी चाहिए इसको, लॉ की, एज हाई कोर्ट में बाय रूल स्पेसिफाई। और ये क्वालिफिकेशन कितनी होगी, एक्सपीरियंस कितना होगा, ये हाई कोर्ट रूल के जरिए हम बता देगा कि इतना होना चाहिए। सबसेक्शन टू, सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। पहला पॉइंट है इसका ये कि ऐसा मैजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट अ टाइम। दूसरा पॉइंट है कि ऐसा मैजिस्ट्रेट एक साल से ज्यादा की टर्म के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है, एक बारी में एक साल तक ही अपॉइंट होगा ये, एज द हाई कोर्ट में, मतलब उससे कम तो हो सकता है, 6 महीने खातर कर दे मन करे अपॉइंट, लेकिन एक साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, जैसे भी हाई कोर्ट जनरल या स्पेशल ऑर्डर में बताएगा। सबसेक्शन थ्री पहले था नहीं, उसे इंसर्ट किया गया है 1978 में, आप नीचे पढ़ सकते हैं, ये दो लिखा हुआ ना इसके ऊपर, द हाई कोर्ट मे एम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट एम्पावर कर सकता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि भाई आप एक्सरसाइज करें पावर ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड इज लोकल जुरिस्डिक्शन। मतलब जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबसेक्शन वन में जिसको पावर दी गई है या जो बनाया गया है, हाई कोर्ट उसको एक पावर और दे सकती है कि भाई तेरी लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है, क्योंकि ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इससे अपने को पता चलता है कि ये खुद तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है नहीं, लेकिन इसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो हाई कोर्ट इसको पावर दे देगी कि वहां भी आप आपकी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं एज अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मतलब इसकी जूरिस्डिक्शन से बाहर इसको पावर दे दी और वहां ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के तरीके से काम कर सकता है। सेक्शन 14, लोकल जूरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एरिया ऑफ पावर, मतलब लोकल जूरिस्डिक्शन क्या होती है, कितनी होती है, सुनो, सब सेक्शन कितने हैं टोटल, 3 है, और 3 था नहीं पहले, 3 को इंसर्ट किया गया है, कब किया है, 1978 में। अब सबसेक्शन 1 पे आए, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर सीजेएम टाइम टू टाइम डिफाइन करेगा क्या, लोकल लिमिट किसकी, मैजिस्ट्रेट की जो अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 11 में या सेक्शन 13 में, मतलब जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट ने अपॉइंट करे ना उसकी भी एरिया या लोकल लिमिट सीजेएम तय करेगा,
सेक्शन 11 में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तो करे ही करेगा, लेकिन 13 वाड़े की भी, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की भी तय करेगा लिमिट, कितनी लिमिट में वो काम करेगा, लोकल लिमिट मतलब एरिया। ओके, मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ पावर्स विद विच दे मे रिस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड। लेकिन ऊपर कंट्रोल हाई कोर्ट का है, नीचे कौन कर रहा है, सीजीएम डिफाइन कर रहा है। अभी हमने पहले पढ़ा था सेशन कोर्ट के केस में कि कैसे सेशंस कोर्ट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसमें, असिस्टेंट सेशन जज को। अब हम पढ़ेंगे सीजेएम के केस में। लेकिन एक चीज है, वहां लोकल एरिया का कोई चक्कर नहीं था सेशंस में, यहां लोकल एरिया भी डिफाइन कर रहे हैं सीजेएम। एक बार प्रोविजो पढ़ो सब सेक्शन 1 का, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे होल्ड इट सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया ऑफ विच इट इज एस्टैब्लिश। जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ना, जो सेक्शन 13 में अपॉइंट किया है, जिसको पावर्स दी गई हैं, वो उस लोकल एरिया में कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी केसेस सुन सकता है जो उसकी लोकल एरिया है। सब सेक्शन 2, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। अगर उस पावर के तहत जो सब सेक्शन 1 में है, किसी बंदे की, किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की लिमिट नहीं करी गई है, लोकल एरिया बंदिश नहीं लगाई गई किसी स्पेसिफिक लोकल एरिया की, तो उस मैजिस्ट्रेट की पूरे डिस्ट्रिक्ट में पावर है। या फिर इसको इस तरीके से सुने, जब तक उस डेफिनेशन में यूं नहीं कहा गया कि उस बंदे की पूरे डिस्ट्रिक्ट में पावर नहीं है, तो उस मैजिस्ट्रेट की पूरे डिस्ट्रिक्ट में पावर ही मानी जाएगी। बेशक उसका लोकल एरिया थोड़ा हो, लेकिन पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट में मानी जाएगी। लेकिन अगर उसकी पावर बताते वक्त यूं कहा गया कि आपकी पावर बाहर नहीं है, तो उसकी नहीं रहेगी। सब सेक्शन 3 में आ जाओ भाई। वेयर द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, जहां मैजिस्ट्रेट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन अपॉइंटेड अंडर 11 या 13 और सेक्शन 18 उस मेट्रोपोलिटन के केस में चला गया, 18 को छोड़ दो। मतलब ऐसे बंदे की लोकल ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 11 में अपॉइंट या सेक्शन 13 में अपॉइंट होया हो, जो एक्सटेंड करती है, मतलब वहां तक लागू है, टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर चला जाता है, एरिया डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर पावर एक्सटेंड करती है जिसकी, और द मेट्रोपोलिटन एरिया, ये 18 का केस बता रहे दोबारा से, या तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर या मेट्रोपोलिटन एरिया के बाहर, एज द केस में भी, जैसे भी केस है, इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड कोर्ट, मतलब जिस एरिया में वो आमतौर पर कोर्ट होल्ड कर रहे हैं ना, उस एरिया से बाहर भी एक्सटेंड करती है उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब हिसार के किसी जज की ज्यूरिसडिक्शन सिरसा तक भी एक्सटेंड करती हो, तो एनी रेफरेंस इन दिस कोड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, तो इस कोड में मैजिस्ट्रेट के नाम, सॉरी, कोर्ट ऑफ सेशन से जुड़ती हुई कोई भी रेफरेंस उस बंदे के लिए सीजेएम और द सीएमएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से इन रिलेशन टू मैजिस्ट्रेट थ्रू आउट द एरिया विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन बी कंस्ट्रूड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर एज रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन सीजेएम सीएमएम एज द केस में बी एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द सेड डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया। भाई बात सुन लो सिंपल सी एक लाइन की, किसी बंदे की, सपोज आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई जज है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और अब उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को थोड़ा सा एरिया और दे दिया गया है, ठीक है, कौन सा एरिया दिया गया है, जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। बेशक वो बंदा मेट्रोपॉलिटन एरिया का है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन है तो, या फिर सिंपल डिस्ट्रिक्ट का वो बंदा है, वो जज है, जिसको थोड़ा सा बाहर की ज्यूरिसडिक्शन भी दे दी गई है, तो अब उस जज के केस में अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन की बात करे या सीजेएम या सीएमएम की बात करे, तो जो उसका मेन डिस्ट्रिक्ट है ना, उस सेशन जज को समझा जाएगा
CJM और CMM भी उसी को समझा जाएगा, जो बाहर की जूरिस्डिक्शन वाला है उसको नहीं समझा जाएगा, जो उसका मेन डिस्ट्रिक्ट है, लोकल एरिया है, उसको समझा जाएगा। आज का आखिरी सेक्शन इस एपिसोड का, सेक्शन 15, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। मतलब CJM होगा ना, जो जिले में एक ही होता है CJM, वो सबऑर्डिनेट होएगा किसके, सेशन जज के। ठीक है भाई, एक पॉइंट हो गया, CJM शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और हर एक दूसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, वैसे सेशन जज के जनरल कंट्रोल में तो है ही सब्जेक्ट वो, बी सबऑर्डिनेट टू CJM। मतलब सारे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वे तो भाई CJM के सबऑर्डिनेट, मतलब CJM के जूनियर, और CJM खुद किसका जूनियर, सेशन जज का। ओके रिपोर्ट, चलो भाई आगे। सब सेक्शन 2 बोलता है द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये टाइम टू टाइम रूल बना सकता है और ऑर्डर दे सकता है इस कोड के साथ मेल खाते हुए, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, अमंग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन करेगा, CJM करेगा। कहाँ, 15 के सबसेक्शन 2 में। CJM इनको लोकल लिमिट भी बता रहा था इनकी पावर की, किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास को भी, सेकंड को भी, और 13 में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में लिमिट बता रहे लोकल एरिया, और 15 के 2 में क्या बता रहे, ये काम कर लियो भाई। सेशन जज भी बता रहा था असिस्टेंट सेशन जज को, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10 के अंदर क्या बता रहा था कि कौन से, मतलब कौन सा काम करना है आपको टाइम टू टाइम रूल बना के, सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है जी, आपने ये वीडियो पूरी देखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगली वीडियो में मिलेंगे। This was day 2 CRPC 3.